हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सुरवादी सिलसिला। देखिए, सुरवादी सिलसिला का भी अपना एक अलग ही पहचान है। इस सिलसिले पंथ की स्थापना बगदाद में सियाउद्दीन सुरवादी ने की थी। इसके स्थापना बगदाद में किया गया था और इसको स्थापना किसने किया था? सियाउद्दीन सुरवादी ने की थी और वह भारत में जो है बहाउद्दीन जकारिया द्वारा स्थापित हुआ था। उसने मुल्तान को में आधार बनाकर सुरवादी वर्ग की नींव डाल दी थी जो उस समय जो है कुवाचा के अधीन था। वह कुवाचा के खिलाफ था तथा खुलेआम उसके विरोध इतुमीस की इच्छाओं के गुण गाता था। उसके तरीके से जो है चिश्तियों से जो है सर्वथा भिन्न थे। चिश्तियों के उलट सुरवादी सुल्तान शासकों से दान लेने में परहेज नहीं करते थे। उनका मानना था कि सूफियों को संपत्ति तथा ज्ञान रहस्यवाद ज्ञान के हासिल करना चाहिए और सुरवादी संत मानते थे गरीब की सेवा बेहतर ढंग से करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने धार्मिक विश्वास के बाहरी प्रकार के अनुसरण करने पर जोर दिया और इलम यानी बुद्धि तथा रहस्यवाद को समर्पित वकालत भी की। शेखों के सामने सिर झुकाना, अंगदुकों को पानी पेश करना था, पंथ में दीक्षा के समय सिर को मुड़न करवाना जैसी प्रथाएं नकार दी गई थी। उनका अनुसरण चिश्ती किया करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात भी इन सिलसिलों ने पंजाब और सिंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। यानी देखा जाए कहते उसके पश्चात भी जो है सिलसिला ने जो है अपना भूमिका अदा करना भूले नहीं और उन्होंने अपना जो है बखूबी अपनी ज्ञान का प्रसार किया।